पिछली बार हमने जम्मू कश्मीर में क्या क्या जगह हैं उसके बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे यहाँ के रहने वाले लोगों की। यहाँ के रहने वाले लोगों लोग कैसे हुए थे बताओ। बहुत ही खूबसूरत लोग होते हैं। यहाँ की औरतें बहुत ही सुंदर, एकदम गोरी गोरी गोरे गोरे गाल। और वो लोग पता है क्या पहनती हैं? वो हाँ, वो लोग क्या पहनते हैं, उनकी खास तौर पे क्या पोशाक होती है? ये देखो, वहाँ की औरतें ये फिरन पहनती हैं। इसको बोलते हैं फिरन। क्या बोलते हैं? फिरन। और ये देखो जो इस पर कढ़ाई करी हुई है, इसको क्या कहते हैं? ये कश्मीरी कढ़ाई है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में लखनऊ में कौन सी कढ़ाई होती है, ऐसे ये कश्मीर की कढ़ाई है। ये यहाँ पर इसका काम बहुत लोग घर में बैठकर करते हैं, और कश्मीरी कढ़ाई बहुत ही मशहूर है। ठीक है, और यहाँ पर जो औरतें होती हैं फिरन के ऊपर बांधती हैं स्कार्फ। देखो ये है कश्मीरी स्कार्फ। ठीक है, और कैसे बांधती हैं? हम लोग कैसे बांधते हैं स्कार्फ को? हम लोग तो ऐसे तिकोना करते हैं और इसको ऐसे करके ऐसे बांध लेते हैं, बांध लेते हैं हम लोग ऐसे, है ना। लेकिन जो कश्मीरी होते हैं, कश्मीरी औरतें होती हैं, वो फिरन पहनती हैं। फिरन नीचे सलवार और उसके ऊपर इसको ऐसे बांधती हैं माथे पर ऐसे, अरे ऐसे, है ना। और ऐसे फिरन पहना, ये बांधा, और पीछे से फूलों की ले टोकरी और बेचने के लिए बेचे या कुछ भी करें, वो इस तरीके के ही कपड़े पहनती, क्योंकि वहाँ ठंड बहुत होती है, ठंडा होता है ना। गर्मियों के मौसम में भी इतनी ठंड होती है कि आप मतलब एक एक स्वेटर आप हल्का फुल्का डाल सकते हो। और यहाँ के लोग एक कांगड़ी का इस्तेमाल करते हैं, उसको आपकी किताब में बनी हुई है। कांगड़ी ये इस तरीके की होती है, इस तरीके की, इसमें एक बड़ी सी मिट्टी की कटोरी रहती है और ये टहनियों से देखो बिना हुआ उसका एक कवर बना देते हैं, क्योंकि कटोरी में कोयला जलाते हैं, जलाकर हम लोग क्या तापते हैं, अंगीठी तापते हैं सर्दियों में, क्या तापते हैं, अंगीठी। ये लोग कांगड़ी तापते हैं, ये इन लोगों के ये कांगड़ी होती है। इसके अंदर बड़ी सी मिट्टी की एक कटोरी होती है जिसमें कोयला रखा रहता है जलता हुआ, और वो उससे वो उनको वो सेकते रहते हैं, है ना। और ये जो इसका कवर होता है जो टहनियों से बिनकर बनाया जाता है, इससे इनको वो जलता नहीं ना, कटोरी गर्म होगी ना गर्म, और ये इसको उसके अंदर रहती है, इसके अंदर रहती है मिट्टी की बड़ी सी कटोरी जिसके अंदर क्या रखा रहता है, कोयला, जिससे वो सेकती सेक उनको मिलता रहता है। यहाँ के घर कैसे होते हैं, कैसे घर होते हैं? इनके घरों की छतें जो हैं वो ढालदार ढालू होती हैं, जिससे कि बर्फ यदि गिरे भी तो वो नीचे गिर जाए, छतों पर ना रुके। इसी तरीके से शंकु आकार के पेड़ भी यहाँ पर होते हैं, चीड़ और देवदार। और यहाँ के जंगल जंगल भी बहुत ज्यादा, जंगलों में बहुत सारी चीजें ऐसी पाई जाती हैं जो बहुत ही बेशकीमती होती हैं, मतलब बेशकीमती इन द सेंस कि हमारे लिए बहुत ज्यादा कीमती होती है। कई सारी जड़ी बूटियां वहां के जंगलों में मिलती हैं जो जिनसे हम लोग बहुत ही अच्छी अच्छी दवाइयां बनती हैं। ठीक है, और यहाँ के लोग एक प्रकार की अलग सी चाय पीते हैं। हम लोग चाय पीते हैं सर्दियों में, अरे बाप रे कितनी ठंड है, लाओ चाय पी जाए, चाय पे चाय, चाय पे चाय, है ना, जितनी ठंड उतनी ज्यादा चाय। और ये लोग पीते हैं कहवा, इनकी ये लोग अपनी चाय को क्या बोलते हैं, इनकी चाय को बोला जाता है कहवा। और ये इसमें दूध नहीं पड़ता है,
इसमें अलग अलग तरह तरह के मसाले पड़े डाले जाते हैं, बड़ी इलायची और इस तरीके की, हाँ छोटी इलायची, इस तरीके के मसाले डाले जाते हैं और बादाम, मसाले और बादाम से बनती है इनकी चाय। मसाले और बादाम, बादाम जानते हो क्या होता है? दूध नहीं, दूध नहीं, दूध नहीं पड़ता है। अच्छा, और अब ये चूंकि एक पर्वतीय इलाका है, पहाड़ी इलाका है, यहाँ के लोग क्या करते होंगे कोई बता सकता है? यहाँ के ज्यादातर लोग खेती करते हैं और लघु उद्योग में खेती करते हैं और लघु उद्योग, लघु उद्योग मैंने बताया था ना कि घर बैठे बैठे काम जो कर सकते हैं, वो लघु उद्योग में क्या होता है? एक तो कश्मीरी कढ़ाई, ठीक है, शॉल बनाना, शॉल में ये लोग कढ़ाई करते हैं, और इनके कालीन दूर दूर तक प्रसिद्ध हैं। यहाँ पर भी हम लोग ढूंढते हैं कश्मीरी कालीन, वो पर्दे भी होते हैं, पर्दों पर कश्मीरी कढ़ाई करी हुई होती है, हर एक चीज पर वो लोग वहां पर, तो हर एक चीज पर वो कश्मीरी अपनी कढ़ाई करते हैं जो बहुत ही सुंदर लगती है। शॉलें और खास तौर पे इनके कालीन बहुत ही ज्यादा मशहूर हैं कश्मीर के। और इसकी यहाँ पर लोग जो हैं कौन कौन से जानवर, भेड़ और बकरी तो पालते हैं, भेड़ों से वो ऊन निकालते हैं, है ना? हाँ, और यहाँ पर एक याक, ये लद्दाख एक शहर है जो बहुत ही ठंडा, ठंडी जगह है लद्दाख, उसमें ये लोग याक पालते हैं। याक जो है ऐसा जानवर है, कैसा है? बिल्कुल भैंस, बड़ी बड़ी सी मोटी सी भैंस की तरह लगता है वैसे ये, लेकिन ये होता क्या है? याक। इसके भी बहुत लंबे लंबे बाल होते हैं जो इसको ठंड से बचाए रखते हैं, इसी वजह से ये ठंडे इलाकों में रहता है। और भेड़ों की उससे ऊन से ये लोग स्वेटर वगैरह बनाते हैं, और इनकी ऊनों से जो एक प्रकार की शॉल मिल बनती है जिसको कहते हैं पश्मीना। ये लद्दाख की खासियत है, विशेषता लद्दाख में बनता है। लद्दाख, क्या नाम है? लद्दाख। और इस पश्मीने की खासियत कोई बता सकता है? सुंदर तो होता है, और इसके अलावा बताओ? इस पश्मीने के लिए लोग गर्म भी होता है, बहुत गर्म होता है, बहुत सुंदर होता है, और इसकी विशेषता यह है कि बहुत हल्का पतला, ऐसे लगेगा जैसे हम लोग चुन्नी ओढ़ते हैं अपनी, बिल्कुल वैसी होता, पतला है, हल्का होता है, लेकिन फिर भी बहुत ही गर्म होता है, विशेषता है ना? क्योंकि जितनी मोटी चीज ओढ़ोगे उतनी गर्मी लगेगी, लेकिन वो पतला होने के बावजूद भी गर्म होता है। पश्मीना मुलायम, पश्मीना की क्या खासियत होती है? मुलायम, हल्का, पतला, पतला और गर्म। और पश्मीने के लिए कहा जाता है कि अगर आप उसकी शॉल को अंगूठी के बीच से भी निकालोगे तो वो निकल जाएगी, ये कहा जाता है। पता है तुम लोगों को? नहीं पता? पश्मीने के शॉल को अगर हम एक कोना इसमें से निकालते हुए उसको खींच लें तो वो खींचकर एक अंगूठी से पार हो जाता है, लेकिन ये बहुत महंगा भी होता है। कश्मीर में बनता है ना, कितनी दूर से बनता है, और ये महंगा भी बहुत होता है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पर लोग खेती करते हैं, खेती में ये लोग क्या क्या उगाते हैं? खेती में जो फसलों की खेती होती है उसमें ये मक्का, गेहूं, चावल, बाजरा नहीं, मक्का, गेहूं, चावल और एक और चीज की खेती होती है जिसका नाम है केसर। देखो हम केसर लेकर आए हैं तुम लोगों के लिए। किसकी खेती होती है? मक्का, गेहूं, चावल और केसर। क्या थोड़ा सा दिख पाएगा? ये है केसर,
किस लिए काम आता है केसर? धोने। अच्छा, ये दवाइयों के भी काम आता है, ठीक है। हाँ, और क्रीम का एड सुना है ना, हल्दी और केसर वाली क्रीम। यहाँ छू नहीं, छू नहीं, ठीक है, दिखा रही हूँ। हाँ, इससे कई, ये कई प्रकार की दवाइयों में भी काम आता है। बात नहीं, बात नहीं, दवाइयाँ बनाने के काम में आता है, साबुन बनाने के काम में भी आता है, रंग रूप निखारने के काम में भी आता है, और स्वाद किसी भी भोजन बनाने के काम में भी आता है। ये इसका, इससे और टेस्टी हो जाता है, स्वाद आ जाता है खाने में। और खास तौर पे हम लोग जो है इसको दूध में डालकर पीते हैं, इसका हल्का हल्का दूध में खूब डाल के इसको गाढ़ा किया जाता है दूध को, जिसकी वजह से हल्का हल्का केसर की वजह से हल्का हल्का पीला सा रंग दूध में आ जाता है। और केसर तिलक लगाने के भी काम में आता है, मालूम है ना, केसर से तिलक लगता है, हल्का हल्का पीला तिलक लगता है। तो ये भी कश्मीर में इसकी खेती होती है। तो क्या मक्का, गेहूं, चावल और केसर की खेती यहाँ पर होती है। इसके अलावा यहाँ पर फलों की बागवानी होती है, फलों के बाग, जैसे कश्मीरी सेब बहुत मशहूर है, कश्मीर का सेब, जैसे कहते हैं, जैसे कश्मीर का लाल लाल सेब होता है, वैसे जैसे वहाँ पर लाल लाल गाल होते हैं उन लोगों के, है ना। और सेब, आड़ू, खुबानी, नाशपाती, इस प्रकार चेरी, ये सब कश्मीर के प्रसिद्ध फल हैं और ये वहाँ पर इसकी बागवानी होती है। और मेवे, मेवों की खेती होती है, मेवे उगाए जाते हैं, जैसे कि बादाम, अखरोट, चिलगोजे, काजू, इस तरीके के बादाम अखरोट तो बहुत मिलता है, बहुत बहुत पैदा होता है वहाँ पर, मतलब वहाँ पर बादाम अखरोट की फसल उगाई जाती है, पेड़ उगाए जाते हैं। और अभी तुम लोग कभी यहाँ पर तुम लोगों के मोहल्ले में आते हैं कश्मीरी लोग? नहीं, क्यों नहीं आते हैं? आते हैं बहुत कश्मीरी, जाड़े के मौसम में वो लोग बादाम और अखरोट भी बेचते हैं, वो लोग बादाम अखरोट भी बेचते हैं, और बड़ी सी वो कभी रिक्शे में खूब बांध के ले आते हैं, कश्मीरी सूट शॉल बेचते हैं आवाज लगा लगा कर। क्यों बेचते हैं बताओ, बता सकते हो क्यों? पहले जमाने में, पहले के समय में हम लोग कश्मीर को देखने जाते थे और कश्मीर की चीजें खरीद के लाते थे, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर हुआ करती थी। लेकिन अब आजकल कोई वहाँ कश्मीर जा नहीं पाता है, नहीं जाता है, इसलिए वो बेचारे जो वहाँ पर काम करते हैं वो उनका सामान कैसे बिकेगा? फिर वो ही आते हैं हम लोग के पास, हम लोग नहीं जा पाते उनके पास, वो आते हैं हमारे पास अपना सामान बेचने के लिए। और कई लोग बादाम और अखरोट भी बेचते हैं, है ना, समझे? कश्मीरी लोग यहाँ पर क्यों आते हैं? पहले नहीं आते थे, हम ही लोग जाते थे, अरे चलो वहाँ जा जाए, वहाँ से शॉल लेकर आएंगे, वहाँ से ये लेकर आएंगे, अब वो लोग यहाँ पर आते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर के जो जंगल हैं, इसमें एक प्रकार का वो है हिरन, जिसको बोलते हैं हांगुल बारा सिंगा, हांगुल हांगुल बारा सिंगा, बारा सिंगा जिसके 12 सींग होते हैं, ये एक प्रकार का हिरन की प्रजाति है, एक प्रकार का ये हिरन है जिसका नाम है, जिसकी एक अलग प्रजाति है जिसका नाम है हांगुल बारा सिंगा। और ये पूरी दुनिया में और कहीं नहीं होते हैं, सिर्फ कश्मीर के जंगलों में ही पाए जाते हैं, सिर्फ कश्मीर के जंगलों में ही, कश्मीर में ही पाए जाते हैं। और लेकिन अब इनकी भी संख्या यहाँ पर कम होती चली जा रही है, क्योंकि जंगल कटते चले जा रहे हैं, और अगर इसी प्रकार जंगल कटते रहे तो ये प्रजाति भी एकदम खत्म हो जाएगी।
यहाँ पर लोग ये लोग लोक संगीत, इनका जो लोक संगीत है वो है शंकुर शंकुर। शंकुर शंकुर जो है इनके लोक संगीत की ये धुन है। और ईद इनका ये सब यहाँ पर सबसे ज्यादा कौन लोग रहते हैं? मुसलमान लोग रहते हैं, तो ईद इनका मुख्य त्योहार है ईद। और क्योंकि यहाँ पर अमरनाथ गुफा है शिवलिंग, हाँ, इसलिए यहाँ पर शिवरात्रि भी मनाई जाती है। अच्छा, इस कढ़ाई कश्मीरी कढ़ाई के अलावा और कालीन बनाने के अलावा इनका एक और काम है जिसको बोलते हैं पेपर मेशी। क्या बोलते हैं? पेपर मेशी। क्या होता है पेपर मेशी? हाँ बताओ। नहीं, पेपर मेशी नक्काशी। हाँ, नक्काशी। नक्काशी तो अलग चीज हो जाती है। पेपर मेशी में कागज, रुई, चीथड़े और घास और लकड़ी की लुगदी को मिला लिया जाता है, ठीक है? ये सब मिला लिया गया, उसके बाद उससे खिलौने सुंदर सुंदर बनाए जाते हैं, सुंदर से चमकीले रंग बिरंगे खिलौने बनाए जाते हैं जो वहाँ पर कश्मीर में बिकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर लकड़ी के ऊपर नक्काशी की जाती है। लकड़ी के ऊपर नक्काशी करने के बाद उसको बेचा जाता है। ये सारे काम भी वहाँ पर लघु उद्योग के रूप में होते हैं। क्या क्या काम होते हैं? पहले तो कश्मीरी कढ़ाई, कश्मीरी कढ़ाई करते हैं और कलाई वो कालीन, कालीन बहुत सुंदर सुंदर बनाते हैं। और खेती बाड़ी होती है जिसमें कि वो कौन सी फसल? गेहूं, चावल, मक्का और केसर। गेहूं, चावल, मक्का और केसर। और फलों में वो लोग क्या उगाते हैं? सेब, खुबानी, नाशपाती, चेरी, आड़ू। और मेवे, मेवे बादाम और अखरोट। हाँ ठीक है। और यहाँ की भाषा क्या है? यहाँ की भाषा है कश्मीर लोग कश्मीरी बोलते हैं, हिंदी भी बोली जाती है और पंजाबी भी बोली जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल पंजाब से लगा हुआ है, पंजाब प्रदेश से लगा हुआ है। और उर्दू मुसलमान लोग रहते हैं, और उर्दू बोली जाती है। और डोगरी एक भाषा है वो भी बोली जाती है। और लद्दाखी, लद्दाख एक जगह का नाम है ना, तो लद्दाख में क्या कौन सी भाषा बोली जाती है? लद्दाखी भाषा बोली जाती है। और यहाँ कश्मीर में कश्मीरी बोली जाती है, और ये सारी भाषाएं भी कश्मीर में बोली जाती हैं। ठीक है, अच्छे से समझ में आया? यहाँ पर राजधानी और श्रीनगर और जम्मू है। गर्मियों में कौन सी होती है? गर्मियों में श्रीनगर होती है और सर्दियों में जम्मू। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देंगे आपको होमवर्क के लिए। ठीक है, कौन सी चाय ये लोग पीते हैं? कहवा, जिसमें क्या होता है? मसाले और बादाम। राजधानी के नाम लिखो। श्रीनगर,
पोशाक में वो लोग क्या पहनते हैं? पोशाक में वो लोग क्या पहनते हैं वहाँ के लोग? सूट पहनते हैं। अभी बताया था फिरन, फिरन और यहाँ पर स्कार्फ बांधते हैं। और ये बताओ एक बात, कश्मीर के घरों की छतें अगर ढालू ना हो तो क्या होगा? वहाँ पर बर्फ रुक जाएगी और फिर ज्यादा बर्फ गिर जाएगी तो वो छत टूट जाएगी। ठीक है हावियो, अब समझ में आ गया पूरा कश्मीर क्या काम होता है, क्या लोग पहनते हैं, कौन सा त्योहार है? ईद और शिवरात्रि। और वहाँ का सबसे ज्यादा प्रसिद्ध क्या चीज है? कालीन और शॉल। ठीक है, ओके, थैंक यू।